हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आसपास का आप लोग माहौल आप लोग देख सकते हो भाई, है ना, एकदम मस्त, एकदम दिवाली वाला माहौल है क्योंकि कल है दिवाली। सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस, है ना। आज भी दिवाली है लेकिन आज छोटी दिवाली है। और ये हम आ गए यहाँ पर ट्रैफिक में, पॉलिटेक्निक चौराहे के ट्रैफिक में। अरे अंकल कैसे खड़े हो यार भैया। सो मैं अगर आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊँ तो आज ना मेरा कोई भी आज इरादा विरादा नहीं था ब्लॉग करने का। मैं सोच रहा था कि कोई कंपाइलेशन टाइप की मैं वीडियो आज बना दूं। अरे यहाँ की लाइटें क्यों नहीं जली है सर? यहाँ पर अगर आप लोगों को नहीं पता है, बीच चौराहे पे ना, ये मतलब ये जो डिवाइडर होता है इसके ऊपर लाइटें लगी रहती हैं, लेकिन लाइटें जली नहीं है, पता नहीं क्यों। अरे अभी तो मौसम है जलने का, दिवाली है। अब दिवाली के ही दिन अगर आप लोग अगर नहीं जला रहे हो तो क्या फायदा ऐसे लाइट का, है ना। वैसे यहाँ पर जल रही है लेकिन वो तिरंगे के उसमें जल रही है जो कि 15 अगस्त से लगा हुआ है। यहाँ पर ठंडा इस समय भाई बहुत तगड़ा लग रहा है इस समय। मैंने शर्ट मैंने पहनी हुई है फुल स्लीव्स की, लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है ना, सामने से जितनी भी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है वो एकदम मतलब शर्ट को एकदम फाड़ के अंदर घुस रही है। मतलब बहुत ठंडा लग रहा है यार। हालांकि अभी जो ठंडक है वो एकदम पीक वाली ठंडक एकदम नहीं आई है। अरे भाई क्या ऑटो क्या कर रहे हो यार? और अगर किसी के पास अगर पैसा वैसा नहीं है लाइटें वाइटें खरीदने के लिए, झालरें खरीदने के लिए, तो लोग यही से ही चुरा के भी ले जाते हैं। जैसे इस वाले खंबे की चुराई हुई थी लोगों ने, है ना भाई, हमारे यहाँ कलाकार लोग होते हैं। अच्छा आज के दिन ना आप लोगों को ट्रैफिक जो है वो बहुत ही ज्यादा कम लग रहा होगा, वो इस वजह से है। सबसे पहली बात, आज है संडे है और संडे होने के बाद आज है छोटी दिवाली। दीपावली और दिवाली में दोनों शब्द मैं एकदम कंफ्यूज कर दे रहा हूँ यार, है ना। तो आज है संडे और है छोटी दिवाली, तो इस वजह से आज ना बहुत ज्यादा कम लोग निकले हैं भाई साहब बाहर, है ना। उतनी पॉपुलेशन उतनी निकली नहीं है आज। एंड यस हम जो है निकाल लो, चले जाओ, चले गए हैं, बस हो गया। इसीलिए पे 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 हॉर्न मार रहे थे भाई ये लोग। हॉर्न तो ऐसे मारते हैं जैसे इन्हीं के पापा की रोड है। अगर तुमको अगर लेफ्ट अगर जाना है तो लेफ्ट के साइड लेफ्ट की लेन में रहो ना, बीच में क्या बीच से एकदम लेफ्ट जाना है इनको। ये चलो यार छोड़ो यार, फेस्टिवल के समय लोग ऐसे ही पागल हो जाते हैं। फन सिनेमा जो है ये एकदम चमक चुका है, इसको पूरा एकदम झालर वालर में इसको पूरा सजा के रखे हुए है ना। सही है भाई, हर त्योहार को सजा देते ये लोग, तो इनके लिए तो नॉर्मल बात है। और यहाँ पर सामने हमें फिर से एक सिग्नल लगता हुआ दिख रहा है और सिग्नल लग गया। चलो भाई खड़े हो जाओ, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, खड़ा तो होना ही पड़ेगा। भले ही संडे है पुलिस वाले होंगे नहीं। चलो खुल तो गया सिग्नल, मेरे यहाँ तक आते ही डर गया भाई साहब सिग्नल। अरे भाई ये पहली बार मैंने देखा है ना, कि इसके अंदर भी अब झालरें लगाई हुई है चौराहे के अंदर। चलो भाई इस चीज से पता तो चला कि कम से कम अंदर लाइटें हैं। सही है यार, इस वाले चौराहे को कभी नहीं जलाते लेकिन आज जो है वो जला हुआ है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अच्छा आज ये देखो भाई, आइसक्रीम वाले जितने भी है ना सब लोग मतलब खाली है इन लोगों का ठेला, क्योंकि आज के दिन कोई बाहर ही नहीं निकल रहा है। चलो क्या किया जा सकता है भाई। पे 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 पे, अरे भाई डिफेंडर लेके जा रहा है भाई। आज ना बड़े बाप के बेटे निकले हैं आज, है ना। अरे यहाँ पे क्या ट्रैफिक जाम है यार, सही में बहुत तगड़ा ट्रैफिक जाम है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही गाइस ऐसे ही घूम फिर रहा हूँ भाई, देख तो लो, है ना। क्योंकि आज मैं सवेरे से मैं निकला नहीं था, मैंने कुछ भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड मैंने नहीं किया था, है ना, कल अपलोड करने के लिए। अरे भाई इतना तेज सब चला रहे हैं, ये क्या बच्चा क्या देख रहा था यार, पता नहीं भाई क्या देखने लगते हैं ये लोग। अरे देख के देख के देख के देख के देख के मैं सोच रहा हूँ कि मैं हजरतगंज चला जाऊँ, लेकिन दिक्कत बेसिकली क्या है ना, हजरतगंज में वहाँ पर ट्रैफिक बहुत तगड़ा होगा। जब ट्रैफिक वहाँ पर जब तगड़ा होता है तो मतलब दिक्कत हो जाती है। तो मैंने सोचा यार छोड़ो यार प्लान कैंसिल करते हैं हजरतगंज का, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर ट्रैफिक नहीं है ना तो समझो कि जितना भी ट्रैफिक है वो सब हजरतगंज में बैठा हुआ है, हजरतगंज नहीं तो अमीनाबाद में। तो हजरतगंज में ट्रैफिक मिलने के जो संभावना है वो बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं। एक्चुअली क्या था ना, मुझे जूता लेना था, मेरा पुराना वाला जो जूता था ना वो फट गया था, तो मुझे नया जूता मुझे लेना था, क्योंकि यार मुझे ना वो बड़े वाले मुझे बूट वाले जूते चाहिए थे, है ना, ठंडक के लिए, क्योंकि ठंडक आ रही है, ठंडक में जूता पहनना जो है वो ज्यादा सही रहता है ना, क्योंकि इस वाले चप्पल में हम कब तक हम काम चलाते रहेंगे। वैसे मेरा कोई वो नहीं है भाई, मैं इसमें मैं काम चला सकता हूँ, है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही बात है ना, ठंडा लगेगा पैर में तो क्या मतलब बनता है ना। अब यही हम क्या चप्पल पहने रहेंगे इसी चप्पल को बार बार। तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो बाद में जाएंगे यार, दिवाली के बाद, है ना, दिवाली के बाद एक दिन की वो जो छुट्टी वट्टी मिलती है ना, जिसमें मतलब कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता है, उसी समय हम जाएंगे वहाँ पर, है ना, क्योंकि उस समय कोई निकला नहीं होगा बाहर। यार चली चल, अरे भैया क्या कर रहे हो यार, अरे यार ये क्या कर रहा है यार,
थक्कन होते हैं उसके। यहाँ भैया फोन चला लो, फोन चला रहे हैं भाई साहब। अरे दीदी इस साइड हट जाओ, ये क्या सोच रहा है यार ये ईओन वाला। अबे क्या सोच रहा है यार, फोन चला रहा है, बताओ ये भी फोन चला रहा है यार। इन लोगों का ना पता नहीं यार, फोन चलाने का चलान वाला नहीं होता है क्या। अच्छा मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं आज के मैं वीडियो का मैं टाइटल क्या रखूंगा। आई डिडंट गेट द टाइम, मैं मुझे समय नहीं मिला तो इस वजह से मैं रात में निकला हूँ, नहीं तो रात में ठंडा लग रहा है, नहीं तो लखनऊ के लोग और ज्यादा पागल हो गए। चलो वो हम देख लेंगे। और इस तरफ से भाई और अच्छा लग रहा है यार ये वाला चौराहा, ये कितना सही लग रहा है भाई, ये जलता नहीं है यहाँ पर ऐसा कुछ भी। अबे कौन से भांग है ना, ये देखो ये चौराहा सही है भाई। चला लो मैडनेस ऑफ लखनऊ। ये क्या इनोवा है भाई, ये ओवर एक्सरसाइज कर दिया है क्या इसको। अबे क्या क्या लगा लिया है भाई अपने इनोवा में। टोयोटा इतनी सारी तो नहीं देता है, मैंने भाई अपने जिंदगी में इनोवा पे इतनी सारी तो नहीं देखी कभी भी एक्सेसरीज। अरे 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 भाई साहब यार पागल होते हैं यार लोग। सो चलो गाइस, पॉलिटेक्निक चौराहा जो है वो आ चुका है, मतलब मेरा घर आ चुका है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। आज का ये वाला ब्लॉग जो था ये ऐसे ही था यार, है ना, मेरे पास कुछ था नहीं कल अपलोड करने के लिए तो मैंने ये अपलोड कर दिया। उस सवेरे मेरे को टाइम नहीं मिला कुछ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, और दिवाली के समय कोई वीडियो रिकॉर्ड करने का सेंस भी नहीं बनाता है। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन उसको दबा देना, और अगर कोई भी अगर सुझाव हो तो नीचे कौन चू। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतने, आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, मतलब कल। पता नहीं मैंने कितना बोला क्या बोला, लेकिन लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना ठीक है। चलो गाइस बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो, हम मिलते हैं आप लोगों से कल।